केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों संसद में पास कराए गए कृषि बिल के खिलाफ आज देश भर में किसान संगठन और विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में राजद के किसानों ने विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया है। पूर्णिया में भी राजद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि बिल के विरोध में नारेबाजी करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजद के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाता की कठपुतली बना दी है। यह बिल किसान विरोधी है, इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट भी चुका है। यह सरकार तो कहती है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इस बिल से किसानों का आय बढ़ना तो दूर और वो गरीब ही हो जाएंगे। डबल इंजन की सरकार ने ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं छोड़ा है जिसका निजीकरण ना किया गया हो। इस कृषि क्षेत्र जो भी बचा है उसका भी निजीकरण कर दिया गया है। कोई सहयोगी दल है, सिर्फ राजद का ही है। ये राजद के सहयोगी दल अब जब तक दो चार दिन में लगभग ये सब क्लियर हो जाएगा और महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी, गठबंधन तो रहेगा। गठबंधन के सारे दल आपके साथ हैं? लगभग सभी लोग आज के प्रदर्शन में। हाँ, आज के प्रदर्शन में सभी। मार्च आप लोग जो निकाले हैं कहाँ तक जाएगा और क्या होगा? ये मार्च यहाँ थाना चौक से गिरजा चौक होते हुए हम लोग आरंसा चौक तक जाएंगे। क्या कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे? नहीं, ये हम लोग प्रदर्शन मार्च है, हम लोग प्रदर्शन करते हुए यहाँ जाएंगे, एक जगह जाकर के उसको समाप्त। किस चीज के लिए आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? केंद्र सरकार के किसान बिल के खिलाफ, जो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, उसके खिलाफ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में किसान के हित में हम लोग किसान ये पार्टी का मार्च हम लोग कर रहे हैं। क्या आप देना चाह रहे थे? किसान विरोधी बिल जो पास किया गया है उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के सभी सम्मानित पार्टी के विरोध के प्रदर्शन करते हुए आज हम लोग कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन करने का काम। कितने लोगों की संख्या है आपके साथ? हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, किसान काफी मात्रा में है, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोग, हम लोग के सभी प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सभी लोग, सभी व्यवसायी प्रकोष्ठ एवं महिला अध्यक्ष, सभी लोग हैं। सरकार कह रही है कि ये किसान के हित में, कहीं से किसान के हित में नहीं, राजनीति कर रही है। सरकार यदि कह रही है कि यह सरकार किसान के हित में है तो MSP उसे जोड़े। सरकार MSP जो कवच था किसान का, MSP हटा दिया गया है, जो सरकार द्वारा निर्धारित होता था। आज जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट तय करेंगे, जब कॉर्पोरेट के हाथ में किसानों को बेचने का काम किया जा रहा है। जब तक यह काला कानून आपस में लिया जाएगा तब तक राष्ट्रीय जनता दल, उनके सहयोगी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। लोगों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि आज तक कुमकर्णी निंद्रा में सोए हुए थे, जिससे बाजारवासियों के साथ साथ आम आवाम को भी घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आसपास के लोग नरक की जिंदगी जीने पर मजबूर थे। नाला निर्माण होने से गंदगी से छुटकारा मिलेगा। देखे धमदाहा से संवाददाता सूरज मिश्रा की रिपोर्ट।